फर्स्ट लाइन होगी ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग, ठीक है। तो देखो ये ग है, म, बाकी सब जो है यहाँ उंगली से मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बंद कर दिया और ये मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग, ये सपोर्ट के लिए रखा है, इसको मैं हमेशा होल्ड करके रखता हूँ जब भी मैं ग प्ले कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे रखोगे तो फिर गड़बड़ होगी, तो इसलिए आप ऐसे रखो तो टेंशन ही नहीं आता, ये बंद ही रखो, ठीक है। अब देखो तो इस तरह से आपने प्ले किया, कितनी बार प्ले किया, ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग, 6 टाइम प्ले किया, ठीक है। 6 टाइम बहुत हो जाता है, आप 4 टाइम भी प्ले कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब, 4 से ज़्यादा करना 4 या 6, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन दिल दीवाना, लता मंगेशकर की, मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ऊंचा हो जाएगा लेकिन फिर भी, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, तो उनकी आवाज़ माशाल्लाह वो तो गॉड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमको फ्लूट पे बजाना है, तो फ्लूट पे एग्जैक्ट उसी स्केल में चल रहा है। तो आप देखो जो बज रहे हैं वो नोटेशन ये है, ग रे साध ग रे साध, ठीक है, ये ग है, ग रे साध, ध के नीचे डॉट, तो ग पूरा बंद कर दिया, ये सिर्फ एक खुला रखा तो ध हो गया, ग रे साध ग रे साध ग रे साध। अब दो ग रे साध हो गया, मतलब दिल दीवाना बिन सजना के ग रे साध माने ना, माने ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कैसे बजाओगे देखो, समझ के बजाओ, माने ना मतलब सारे रे ग पग, सारे रे ग पग दूर जाएगा, सारे रे ग देखो, सारे रेग रेग सारे ग रे ग पग, तो प कैसे बजाना है, आपने एक टेक्निक बताओ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको जो है ना प बजाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो प आप जब भी बजाओगे एक्चुअली ये ऐसे ही बजाना चाहिए, ठीक है, इससे क्लियर साउंड आता है, एकदम क्लियर, लेकिन आपको अगर दिक्कत होती है तो आप क्या करो, जब भी आप प बजाओ आप इसको खोल भी दे तो चलेगा, ठीक है। फर्स्ट फिंगर जो है म को खुला रखो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, आप रखो ना रखो प तो बजेगा ही, ठीक है, या आप सभी होल बंद कर देने से भी प ही बजेगा, और अगर ये खोल भी दिया तब भी प ही बजेगा, देखो, तो इसकी खासियत है। तो आप जब भी देखो, लास्ट लाइन थी ग रे साध सारे रे ग पग, तो ये क्लियर हो गया, जो मैं कर रहा हूँ मैं ऐसे करो पग, तो पग पग, लेकिन आपको नहीं जमेगा तो आप क्या करो, ये खोल के इसके आदत डालो, तो आपको ऐसा नहीं कि इसी गाने में, हर गाने में जब भी प आता है ना, आपको अगर दिक्कत होती है तो आप किसी भी तरह के गाने में प जब भी आए तो आप ये खोल के भी प बजा सकते हैं। क्या होता है, पूरी की पूरी बांसुरी पकड़ना और सारे होल बंद करना और यही से हवा लीक हो जाती है, कारण यही होता है, सारी हवा यही से लीक होती है, तो आप इसको ही अगर खुला ही रख दो पूरा, तो आपकी फिर आपको फोकस सिर्फ इन्हीं उंगलियों पर रखना पड़ेगा जो कि आपका पहले से तैयार होता है, ये उंगली रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब अगली लाइन, ये पगला है समझाने से समझे ना, ठीक है, तो नोट्स हो गए इसके, रे सा ध ध, देखो रे सा ध ध रे सा रे सा ध ध, ये बंद कर दिया तो ध ध बचेगा, नीचे वाला ध, ठीक है, रे सा ध ध ये पगला है, और समझाने का जो है रे सा ध प रे सा ध प
रे सारे साध समझे नाम, वो जो है धरे सासारेगा, धरे सासारेगा। ठीक है, धरे सासारेगा कंप्लीट। अब मैं पूरा प्ले करके बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो ग म ग, ये जो ये तो पता चल गया ना, ग म ग ग ग म ग, ये तो आसान था। तो देखो खत्म। अब जो है अंतरा, ठीक है। अब अंतरा पे हम फोकस कर रहे हैं यहां पर, दुनिया मांगे, ठीक है, यहां से गाना चालू। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। नोट्स है सा 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 ध सा 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 ध ध सा 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 ध ध सा 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 ध ध सा। थोड़ा फास्ट है अंतरा, लगता है स्लो लेकिन है थोड़ा सा फास्ट। मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया मांगे अपनी मुरादे, लेकिन एक्चुअल में सा 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 ध ध सा सा सा, नोट्स बड़े फास्ट यूज किए हैं। तो सासा कैसे बजाओगे? आपको ऐसा लगता है कि सासा बजाने का, ऐसा कुछ नहीं करना है। सासा जो है मुंह से, जब भी ऐसे सुर आते हैं जो एक जैसे है, जैसे लगातार जो सुर है ग ग म म प प, तो मुंह से ही आप तू तू बोलना पड़ेगा, तू तू। तो ठीक है, तू तू ऐसे। नोट्स है सा 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 ध ध सा 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 ध ध सा, ये तो हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट, मैं तो मांगू साजन, सा 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 ध प, मैं तो मांगू, कैसा करें वो? सा 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 ध प सा ध प सा सा धप सा धप सा 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 धप धप। हाँ, तो ये बड़ा दिक्कत वाला हो गया। अब देखो रीडिंग करना बहुत ही जबरदस्त जरूरी काम है यहाँ पर। सा 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 धप सा 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 धप सा धप सा 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 धप सा धप न न न न न न सा धप सा धप सा 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 धप सा धप। इस तरह से आपको रीड करना होगा, सा 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 धप सा धप। झटका मारना होगा, साधप 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 साधप। अब रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, ये पूरा कॉपी है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जैसे कैसे कॉपी है तो ये सेम। रहे सलामत मेरा सजना, कॉपी कैसा होगा? सा 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 ध ध सा 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 ध ध सा, ठीक है, कॉपी। हो गया कॉपी, वो तो सेम हो गया। अब इस और सजना का आंगन, सा 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 धप सा धप। ये सा लगाना खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। देखो और सजना का आंगन, सा 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 नहीं, हाँ सा 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 धप सा धप। अब इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ठीक है, इसके सिवा जो है ना गरे सा, ये फर्स्ट लाइन है गाने की, गरे साधो गरे साधो सारे गरे गा सारे गरे ग पग। तो फर्स्ट लाइन
गरे साध गरे साध सारे गरे ग पग ये पगला है, वो कॉपी है पूरा। इस तरह से गाना खत्म हो जाता है पूरा। फिर से वही जो म्यूजिक है तो ये पूरा नहीं खोलना है, मत ही पूरा नहीं, इसमें सादा माय, तो ग म ग ग ग म ग ग इस तरह से गाना प्ले होगा एकदम परफेक्टली, जबरदस्त। समझ गए? जान सकते हैं क्योंकि ध कोमल है इसमें, नी कोमल है, ग भी कोमल है, अगर ओरिजिनल स्केल की बात करें, ठीक है। लेकिन फिर शूट में बजाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अगर आप सी स्केल में बजाते थे तो फिर आपको इस तरह से प्ले करना पड़ेगा, लेकिन सी स्केल में ना बजाते हुए आप चाहो तो सी स्केल भी बजाओ क्योंकि आपके पास वही फ्लूट होगी, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये ए स्केल है, ए स्केल की फ्लूट, बेस फ्लूट, ठीक है।